Hello everyone, I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes in the process of simplifying things. इसमें मैंने ऐड किया है 2021 50-50 सीरीज के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़. तो इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन दीज स्टैंड अलोन स्पेसिफिक या स्पेशल कोर्सेज और प्रिलिम्स और मेन्स क्लासरूम कोर्स, जिसमें सारे स्पेशल कोर्सेज इंक्लूडेड हैं. ऑप्शनल्स में भी सारे स्पेशल कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग एंड इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. 5/5 को जो करंट अफेयर्स के नाम पर है, IMO ने एक न्यू गाइडलाइंस इशू की है. इन्होंने कहा कि जो आपका शिप है उसके फ्यूल में 0.5% से कम सल्फर होनी चाहिए. करंटली 2.5% है. तो जैसे BS6 आने से आपकी पुरानी गाड़ियों के इंजन यूजलेस हो गए थे, तो सेम चीज़ इसमें शिप्स में भी वैलिड है. तो IMO के बारे में देखते हैं. ये करंट अफेयर्स तो इतना ही था. इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ पार्ट ऑफ 2020. UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये UN कॉन्फ्रेंस जेनेवा 1948 के बाद इस्टेब्लिश की गई थी. लंदन में हेडक्वार्टर है. ये चीज़ UPSC के लिए पढ़ने की नीड नहीं है. इंडिया इज़ अ मेंबर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC और ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. IMO कहता है कि इंडिया 10 उन स्टेट्स में से है जिनका इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान जुड़ा हुआ है. देन जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसमें इंक्लूड किया गया है 2020 और 50-50 के जो रिसेंट टॉपिक्स हैं. तो वन बग इज़ वाई, टू के बग. वाई का मतलब होता है ईयर, टू के मतलब होता है 2000, वन के मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है 30, ठीक है. वह ईयर 2000 प्रॉब्लम और मिलेनियम बग. देखो ये होता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग हुआ या कंप्यूटर्स जो स्पेशली काम करने स्टार्ट हुए थे वो तो आपके 19th century में स्टार्ट हुए थे. तो इनिशियली वो लोग क्या करते थे कि लाइक 1980 को ये नहीं लिखते थे, दे वर राइटिंग 80. अब इशू क्या हुआ 2000 में कि 1999 को तो आप लिख दोगे 99, ठीक है. 98 को लिख दोगे, 1998 को 98, बट 2000 को आप क्या लिखोगे? 2000 को आप 00 लिखते हो तो उसको वो 2000 पढ़ेगा या फिर 1900 पढ़ेगा. प्रोग्रामिंग इस तरह से डिफाइन थी, तो आप सीधे 100 साल पीछे चले जाते, ठीक. तो इसको Y2K बग कहा गया इंडिया में. इसके बाद जो इन्फोसिस का राइज़ हुआ या सर्विस सेक्टर का राइज़ हुआ है 1991 के बाद नहीं हुआ है इंडिया में. सर्विस सेक्टर का राइज़, सर्विस सेक्टर के राइज़ के पीछे इंडिया की ये प्रॉब्लम है. इंडिया ने ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिया. सारी प्रोग्रामिंग में जो लास्ट के 4 डिजिट थे, वो जो 2 डिजिट थे उनको 4 डिजिट से कन्वर्ट करके दिया है. सो दिस वॉज द Y2K बग. तो अगर आपको ऐसे कहीं आए कि साइंस इज़ बून और वो वाला जो ऐसे होता है बून और कर्स, उसमें ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक. देन जयपुर सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसमें वैदिक आर्किटेक्चर और मीडिवल आर्किटेक्चर दोनों का इन्फ्लुएंस है. वैदिक में ग्रिड प्लांट आर्किटेक्चर है जैसे हड़प्पा में हुआ करता था. देन वॉल्ड सिटी मीडिवल से आया है. पिंक दीवालें हैं इसीलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं. और ये राजपूत रूलर थे सवाई जयसिंह, उन्होंने बनाया था. कछावा के राजपूत रूलर थे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है इसको डिटेल में देखते हैं. WHC यूनेस्को का जो कन्वेंशन है उससे आता है. ऐसी कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है जिसका कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस हो, चाहे वो कल्चरल हो, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कुछ भी. और इनको हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज से. इनफैक्ट वॉर भी डिक्लेयर किया जा सकता है अगर किसी ने इन साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की. क्राइटेरिया क्या है? ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए. ज्योग्राफिकली या हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए. इसमें कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो जो ज्योग्राफिकली या हिस्टोरिकली डिफरेंट हो, चाहे वो एंशियंट बिल्डिंग हो, सिटी हो, कॉम्प्लेक्स हो, डेजर्ट हो, एनीथिंग. तो ये प्री क्लियर रटने की नीड नहीं, ये रट लो, फाइन. मेंस में भी सीधे पूछा है एक दो बार यूनेस्को के WHC के बारे में. और ये आपका अकम्प्लिशमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाता है कि हमने कई हज़ार सालों में क्या अचीव किया है. इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट को बताता है. इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम इसको मेंटेन करता है इस लिस्ट को, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एडमिनिस्टर करती है. इस कमेटी में 21 स्टेट पार्टीज होती हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा. देन एंगुइला आइलैंड, ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है, यहाँ पर मार्क कर लेना कैरिबियन एरिया में. देन सोतो एड्रेस, जैसे अपने आप प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है USA में, सोतो एड्रेस, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस और जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट की एनुअल रिपोर्ट होती टू द पीपल. इन जनरल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि हमारे लिए सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है, बट फिर भी आपको पता है तो ये चीज़ आप कई जगह कोट कर सकते हो. इनफैक्ट प्री में भी अगर पूछ ले कोई बड़ी चीज़ नहीं. आंगनबाड़ी या डे केयर सेंटर आप कई बार सुनते हो. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इसको एडमिनिस्टर करती है. एम क्या है?
रिड्यूस इनको करना है इन्फेंट मॉर्टलिटी एंड चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण। छह तरह की सर्विसेज देता है, न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो LKG से पहले वाली होती है, प्ले स्कूल वाली, देन इम्यूनाइजेशन, हेल्थ सर्विस, रेफरल सर्विस। देन बेनिफिशरी इसमें छः महीने से छः साल तक के बच्चे होते हैं और प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग स्तनपान कराने वाली माताएं दोनों होती हैं। रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम, इसको आप प्री के लिए रटो, RRS, ये वेब इनेबल डेटा एंट्री या फिर ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है आंगनवाड़ीज के लिए। अब इशू ये है कि इसमें सिर्फ 7% बेनिफिशरीज इन सिटी में, स्पेशली ये जो स्कीम थी दैट वाज लॉन्च्ड फॉर विलेजेस ओनली, अब तो सिटीज़ में दिक्कतें तो होंगी। देन मेंस इन 300 टॉपिक पेंडेमिक कोरोना वायरस, उसको हम पेंडेमिक एज अ टॉपिक मेंस इन 300 में इंक्लूड करेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में एक जो आर्टिकल है आज का हिंदू में, NDMA जो 2005 है उसकी एक ख़राब चीज़ है कि प्रिपेयरनेस पर ज़्यादा इनॉर्मस एम्फेसिस किया है, अत्यधिक जोर दिया है। अच्छी चीज़ इसकी ये है कि टाइमली वार्निंग्स में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकवरी जो होना चाहिए वो भी एक की एस्पेक्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये नेगलेक्टेड है। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं इंटीग्रेटिंग पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन विद एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम, ये करो तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। एग्जाम्पल इसका कि उड़ीसा में जो हाउस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको उन्होंने अलाइन किया है स्टेट और सेंटर की आवास योजना से। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।